और गाइस एकदम खाना जरूरी है, अगर बिहार में आके अगर लिट्टी चोखा नहीं खाए तो फिर बिहार का नाम ही है लिट्टी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी निकल रहा हूँ, लाइक 2 किलोमीटर जाके मेरे को याद आया, इंट्रो तो देना भूल गया। इस जगह से दिखा रहा है सासाराम 120 किलोमीटर, देखो कितना टाइम लगता है जाने में। और मैं इधर से अभी निकल गया हूँ सासाराम के लिए, और यहाँ से 120 किलोमीटर 120। तो गाइस देखते हैं, और अभी निकले हैं, मतलब थोड़ा रास्ते में आया तो मेरे को याद आया यार इंट्रो देना भूल गया हूँ। चलो गाइस तो चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। मतलब सुबह निकलने में लेट हो गया आज, 5:30 बज गए सोकर उठने में, और ऊपर से बाथरूम वाथरूम गया 6 बज गया। गाइस देखो आज धूप तो इतना जल्दी निकल जाता, 6:30 धूप या 7 निकल जाता है, बहुत मुश्किल होता है धूप में टालना। मतलब 40 के आसपास टान दिया हूँ गाइस 2 घंटे में, और अभी भी दिखा रहा है 83 किलोमीटर। तब तक सोचे पानी पी लेते रास्ते में रुक कर। सासाराम ही रुकना है रात में। बिहार आज के लिए, कल के लिए, कल शायद यूपी घुसूंगा। गाइस खिरिया मोड़ मदनपुर पे एक जगह है, लाइक उधर मैं भी रुका हूँ नाश्ता करने के लिए। लिट्टी चोखा बिहार का जानते हो, बहुत फेमस है, तो अभी खाते हैं। देखो ये चाचा का दुकान है और लिट्टी बना रहे हैं। लिट्टी कैसे देते हैं चाची? 6 रुपया एक पीस। ठीक है मेरे को 2 पीस दीजिए, खाते हैं गरम गरम। देखो अंकल जी लिट्टी बना रहे हैं। और कुछ बोलिए इनको, मतलब लिट्टी कैसे बनाते हैं, सब कुछ रहेंगे। और लिट्टी में क्या क्या देते हैं चाची? लिट्टी में क्या क्या देते हैं? क्या क्या? सत्तू। अच्छा जो भी, चाची भूल जा रहे हैं थोड़ा बोलने में। और काफी अच्छा से बना रहे थे चाचा। देखो इसमें लिट्टी चोखा मिर्चा दिए हैं, खाते हैं, बिहार का बहुत फेमस है। और गाइस एकदम खाना जरूरी है, अगर बिहार में आके अगर लिट्टी चोखा नहीं खाए तो भी समझ रहे। हाँ हाँ बिहार का तो अंकल बोल रहे हैं, बिहार का नाम ही है लिट्टी। तो गाइस देखो लिट्टी कत्ता सॉल्ट लेक से हम आए हैं। हाँ जी, तो चाचा दिए लिट्टी और चाची पानी भी दे रहे हैं। तो गाइस लिट्टी चोखा खा लिया, बहुत अच्छा टेस्ट था अंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा टेस्ट था, मतलब इतना अच्छा बनाया कि मज़ा आ गया खाते। और बिहार आके लिट्टी चोखा नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं, सही बोले ना? हाँ ये बोल रहे हैं मेरा राजा कटरा में गणेश का किसी में दुकान भी है, जूस का, क्या बोले, जूस का दुकान भी है, मतलब इनका कोलकाता में बिजनेस इनका बेटा करते हैं। और अंकल अभी तो हम ज़्यादा दूर रुक, मतलब ज़्यादा टाइम तो रुक नहीं सकते हैं, हमको जाना है आगे, खाके बहुत मज़ा आया। कितना रुपया हुआ? 2 लिट्टी खाएँ, 12 रुपये। चलो तो गाइस अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, जा रहे हैं। आज सासाराम देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं गाइस। तो पानी पी लिए, चलो निकलना पड़ेगा। और रास्ते को ज़्यादा मैं सीन नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हाईवे है, एक हाथ से साइकिल नहीं दिखा सकता क्योंकि रिक्स होता है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप, इसीलिए थोड़ा सा अभी रुके रास्ते में। अब पानी लिए और पेड़ के पास रेस्ट कर रहे हैं गाइस। अभी रुके थे रास्ते में पेड़ के पास, तो एक इडली वाला भैया मिले हैं, देखो 10 रुपये काफ़ी अच्छा इडली बना रहे हैं, 10 का दे रहे हैं ना, इतने अच्छे देखो बनाए हैं इडली, तो हम सोचे एक बार खाते हैं, रेस्ट ले रहे थे थोड़ा। देखो कटिंग कर दिए 2 इडली का, इसमें नमक दिए हैं और दे रहे हैं क्या, दही क्या है इसका अंदर, चटनी इसका सांभर। मैं 10 रुपये, हम सच में कोलकाता में एक इडली का कम से कम तो 20 रुपये भी लेता है, 10 से 20। अब 10 रुपये हम 2 इडली दे रहे हैं, देखो 10 रुपये हम तो इडली मिलता नहीं है कोलकाता में। क्या नाम है भैया आपका? रामदेव साहब। इडली घुर घुर के बेचते हैं इतना गर्मी में? बाप रे बाप, काफ़ी गर्मी है, सारा दिन बेचते हैं क्या, सारा दिन गर्मी में? तो गाइस 10 का इडली पता नहीं कैसा टेस्ट होता है, देखते हैं ट्राई करके। मतलब गाइस 10 रुपये में ख़राब नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है 10 रुपये में, और क्या ही मिलता है। और ऊपर से किसान का सोस भी रखे, मतलब ये वो हम नहीं लेंगे, मतलब ऐसे ही अच्छा लग रहा है भैया।
₹10 में इडली और ही क्या मिलेगा। काफ़ी मेहनत कर रहे भैया और अच्छा लगा भी। चलो गाइस तो बहुत रेस्ट कर लिए और इडली खा के सच में भैया मज़ा आ गया है, मतलब ₹10 बहुत अच्छा दिए। तो गाइस अभी एक ढाबे के पास रुका था लंच करने के लिए, लंच कर लिया हूँ और रेस्ट भी कर लिया हूँ थोड़ा, और अभी यहाँ से सासाराम 31 किलोमीटर है तो बस निकलना पड़ेगा यहाँ से। और बहुत ज़्यादा गर्मी से वो क्या बोलता है ना, हवा मार रहा है, इसीलिए रुमाल लगा लिया हूँ। चलो गाइस तो चलते हैं सासाराम, 31 किलोमीटर और करना है, उसके बाद वहाँ रेस्ट लेंगे फिर और देखते हैं कितना टाइम लगता है सासाराम जाने में। गाइस फाइनली आ गया हूँ सासाराम में, रुका हूँ ढाबा के पास, लाइक ये है मेरा रात को रखूँगा। हाईवे के बगल में एक होटल मिला है ढाबा, मतलब इसी होटल में रहना पड़ेगा। और अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि बाहर में है नहाने का जगह, और फ्रेश होकर फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस फ्रेश हो गया हूँ और क्या ही बताऊँ, जो ढाबा में लाइक रुका हूँ वो ढाबा नाइट में मतलब बंद कर देते हैं, बट मैं बोला हूँ रिक्वेस्ट किया हूँ तो मेरे लिए खाना बना रहे अंकल, और मैं बोला हूँ दही रोटी खाऊँगा, अंकल देखो खाने बना रहे हैं रोटी मेरे लिए। बस गाइस खाना रेडी हो रहा, खाना खा के सो जाऊँगा। गाइस तो गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और खाना खा लिया अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हाँ अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।